बुरा फंसा मुख्तार अंसारी। एम्बुलेंस कांड में आया फैसले से चौतरफा घिरा माफिया। फर्जी एम्बुलेंस मामले में आरोप तय होने के बाद मुख्तार अंसारी की अदालत ने दिए गए रिवीजन पत्र को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। वकील ने 8 आरोपियों के नाम जिला जज की कोर्ट में रिवीजन दाखिल किया था। उत्तर प्रदेश के चर्चित एम्बुलेंस कांड मामले में आरोपी मुख्तार अंसारी की रिवीजन अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। CGM कोर्ट से तय आरोपों के विरोध में मुख्तार सहित 8 आरोपियों के जिला एवं सत्र न्यायाधीश में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। इसकी सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार शुक्ला ने मंगलवार को प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया। फर्जी दस्तावेज के आधार पर एम्बुलेंस UP 41 ET 71 71 12 मंकी RTO ऑफिस में रजिस्टर कराई गई थी। मामले में आरोपी मुख्तार अंसारी समेत 13 लोगों को गैंगस्टर और एम्बुलेंस मामले में बाराबंकी के MPMLA कोर्ट CGM कोर्ट में आरोपी निर्धारित किया गया है। 29 जून को गैंगस्टर व 4 जुलाई को एम्बुलेंस मामले में ट्रायल की अगली सुनवाई होगी। आरोपों के विरोध में रिवीजन मुख्तार अंसारी के वकील रणधीर सुमन ने बताया कि एम्बुलेंस मामले की धारा 420 419 6467 471 में 8 लोगों ने जिला जज की अदालत में दाखिल किया गया था, जिसकी सुनवाई के बाद मुख्तार अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार शुक्ला की कोर्ट में पुनर्विचार याचिका निरस्त कर दिया। वकील ने बताया कि जज की आपत्तियां ट्रायल के विषय हैं, अब मुकदमे में धारा 482 के तहत हाईकोर्ट में अपील की जाएगी।